हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्कवे एजुकेशन। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। हमारी पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूट्रिएंट साइकिल्स क्या होते हैं और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। उस वीडियो में साथ ही में हमने पढ़ा था कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका साइकिल हमारी अर्थ में कॉन्टिन्यूसली कैसे चलता रहता है। हमने न्यूट्रिएंट्स के दो पूल्स यानी कि रिजर्वायर पूल और साइक्लिंग पूल के बारे में पढ़ा था, और साथ ही हम लोगों ने तीन कंपोनेंट्स पढ़े थे इन न्यूट्रिएंट साइकिल्स के, दैट इज इनपुट पूल, आउटपुट पूल एंड इंटरसाइक्लिंग पूल। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो को आगे ले जाते हैं और आज हम लोग स्टडी करेंगे कार्बन साइकिल। कार्बन भी जो है हमारे लिविंग सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जानते हैं कि जितनी भी लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, कार्बन उन सबका बहुत ज़रूरी एलिमेंट है। आप सब लोग जानते हैं कि जितनी भी लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं अर्थ पे, जिन्हें की बायो मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो डीएनए है, चाहे वो जितने भी बायो मॉलिक्यूल्स हैं, उन सबका जो कार्बन है एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसीलिए कार्बन साइकिल को स्टडी करना और समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब देखिए कार्बन साइकिल होता क्या है। कार्बन जो है जितने भी ऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट्स हैं उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर हम लोग अर्थ पे जितनी भी एक लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, जितनी भी लाइफ एग्जिस्ट करती हैं, तो उन सब में से अगर उनके ड्राई वेट की बात करें तो 49% उसमें कार्बन है। वाटर के बाद अर्थ की लाइफ में जो सबसे अबंडेंट कोई कंपाउंड है तो वो कार्बन है। कार्बन के जो सोर्सेस हैं, कार्बन के चार सोर्सेज हैं हमारे इकोसिस्टम में, वो है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, फॉसिल फ्यूल्स और रॉक्स। और इनमें से एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर जो है वो साइक्लिंग पूल का हिस्सा है। साइक्लिंग पूल हमारा कौन सा था, जो कॉन्टिन्यूसली एम्प्टी होता जाता है और फिल होता रहता है कार्बन के यूज की वजह से। तो ये एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर जो है साइक्लिंग पूल में आते हैं, और फॉसिल फ्यूल और रॉक्स जो है वो रिजर्वायर पूल में आते हैं। रिजर्वायर पूल वो होते हैं जिनमें कोई भी जो न्यूट्रिएंट है वो स्टोर रहता है, और जरूरत पड़ने पे वहां से थोड़े थोड़े ऑफ करके वो जो है साइक्लिंग पूल में ट्रांसफर होता जाता है। तो इस तरह से ये हमारे चार सोर्सेज हैं कार्बन के। और अगर इनमें से भी हम लोग साइक्लिंग पूल के सोर्सेज की बात करें, तो साइक्लिंग पूल में जो 29% कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है एटमोसफेयर का, और एटमोसफेयर में 6×10^14 किलोग्राम ऑफ कार्बन जो है प्रेजेंट है, और 71% जो कंट्रीब्यूशन है वो है हाइड्रोस्फीयर का, और हाइड्रोस्फीयर में 1.45×10^15 केजी ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट है, और जो हमारा हाइड्रोस्फीयर है वहां पे जो कार्बन है वो कार्बोनिक एसिड और सॉल्यूट्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं इनमें भी कार्बन अबंडेंट है, और जो हमारे रॉक्स हैं सेडिमेंटरी साइकिल्स जिनकी हमने बात की थी उनमें भी जो है इनफ अमाउंट में कार्बन प्रेजेंट है। अगर हम लोग रिजर्वायर पूल की बात करें तो रिजर्वायर पूल में टोटल 2.8×10^21 केजी ऑफ कार्बन जो है प्रेजेंट है। अब कार्बन के सोर्सेज की बात करने के बाद हम लोग कार्बन साइकिल को देखते हैं। देखिए दो साइकिल पे ऐसे हैं जिनमें प्लांट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। उनमें से एक है कार्बन साइकिल और एक है ऑक्सीजन साइकिल। जो कार्बन साइकिल है वो प्लांट्स से ही शुरू होता है। प्लांट्स ही कार्बन को एकोमुलेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर प्लांट्स से ही वो बाकी सारे इकोसिस्टम में ट्रांसफर होता है। और दूसरा है ऑक्सीजन, जिसे कि ह्यूमंस और एनिमल्स एकोमुलेट करते हैं, और वो जो है वो भी प्लांट्स रिलीज करते हैं, तब जाके वो सारे के सारे एनिमल्स या ह्यूमंस को मिलती है। तो चलिए अब कार्बन साइकिल देखते हैं। देखिए हमने बात की थी कि जो कार्बन साइकिल है उसके साइक्लिंग पूल्स है एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। तो अब एटमॉस्फेयर में जो कार्बन है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इस कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूसर्स होते हैं हमारे प्लांट्स। प्लांट्स को प्रोड्यूसर इसलिए बोला जाता है क्योंकि अर्थ पे सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स ही हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं और उसके अलावा दूसरों को भी न्यूट्रिशन देते हैं, इसीलिए प्लांट्स को प्रोड्यूसर बोला जाता है। तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स लेते हैं। अब वो जो प्लांट्स हैं आगे उनसे क्या क्या होता है, कैसे ये साइकिल चलता है। अब हमारे जो प्लांट्स हैं जैसे ट्रीज हैं उनको हम लोग फ्यूल के तौर पे भी यूज करते हैं और बर्न करते हैं। उनकी बर्निंग से क्या होता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है
ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। एक पाथवे तो ये हो गया कार्बन साइकिल का कि प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड लिया और फिर वो बर्न हुए और उनसे जो वापस कार्बन है वो एटमॉस्फेयर में चला गया। अब जो प्लांट्स हैं वो खुद भी रेस्पिरेशन करते हैं। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं, लेकिन रात के टाइम जब सनलाइट नहीं होती तो जो प्लांट्स भी हैं वो ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो जो प्लांट्स हैं अपनी रेस्पिरेशन में भी खुद की रेस्पिरेशन के दौरान भी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं जो वापस फिर से चली जाती है एटमॉस्फेयर में। और उसके बाद जो प्लांट्स हैं उनको कंज्यूमर यानी कि हर्बीवोरस एनिमल्स बाकी सारे के सारे एनिमल्स प्लांट्स को छोड़ के इस अर्थ पे जितनी भी लाइफ है वो सारे के सारे आ जाते हैं कंज्यूमर्स में। तो अब जो प्लांट्स हैं उनको कंज्यूमर खाते हैं और अब ये जो कंज्यूमर्स हैं ये खुद भी रेस्पिरेशन करते हैं और रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं जो कि वापस चली जाती है एटमॉस्फेयर में। और ये जो कंज्यूमर्स हैं ये डेथ हो जाती है और ये बहुत सारे वेस्ट भी रिलीज करते हैं। इसके अलावा जो प्लांट्स हैं उनकी खुद की डेथ होती है, वो डिके होते हैं माइक्रोब्स की एक्टिविटी से जिससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से चली जाती है एटमॉस्फेयर में। तो इस तरह से ये जो है प्लांट्स के साइकिल है कि क्या रोल है प्लांट्स का कार्बन साइकिल में। इसके अलावा जो प्लांट्स हैं इनसे फॉसिल फ्यूल भी बना हुआ है। फॉसिल फ्यूल कौन सा? कोल। कोल जो है वो प्लांट्स से बना हुआ है, प्लांट्स के रिमेन से फॉसिल फ्यूल बना है हमारा कोल। तो जब कोल की बर्निंग होती है, कोल की कंबशन होती है, तब भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जो वापस चली जाती है एटमॉस्फेयर में। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग केमिकल कॉम्बिनेशन एंड सीपेज। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट हर टाइम प्रेजेंट रहते हैं, बहुत सारी गैसेस हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं उसमें प्रेजेंट हैं और वो जो एलिमेंट्स हैं वो हर टाइम आपस में रिएक्शन करते रहते हैं, नए नए केमिकल कॉम्बिनेशन बनाते रहते हैं। तो उस केमिकल कॉम्बिनेशन की वजह से भी अर्थ के इकोसिस्टम में कार्बन जो है ऐड हो रहा है। उसके अलावा जब बारिश होती है तो बारिश भी जब होती है तो अपने साथ काफ़ी सारी कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड अपने साथ लेके अर्थ के सरफेस पे फॉल करती है। तो उस तरह से भी जो कार्बन है वो अर्थ के इकोसिस्टम में एंटर कर जाता है। और इस केमिकल कॉम्बिनेशन और सीपेज की वजह से कार्बोनेट रॉक्स की फॉर्मेशन होती है। अब ये जो कार्बोनेट रॉक्स हैं ये आ जाते हैं सेडिमेंट्री साइकिल्स में। अब ये जो कार्बोनेट रॉक हैं माइनिंग के दौरान, इसके अलावा वोल्केनिक इरप्शन के दौरान और जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, जब कहीं से भी हॉट स्प्रिंग निकलते हैं तो उनके दौरान भी ये भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो इस तरह से ये सारे के सारे ये जो सोर्सेज हैं ये मिलके कार्बन को कंज्यूम भी कर रहे हैं और कार्बन को रिलीज भी कर रहे हैं। अब ये जो हम लोगों ने साइकिल पढ़ा ये एक साइक्लिंग पूल है। क्यों? क्योंकि ये लगातार फिल भी हो रहा है और एम्प्टी भी। फिल कैसे हो रहा है कि हमारे कंज्यूमर जो हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, कंज्यूमर हैं या कार्बोनेट रॉक हैं, उनको लगातार अलग अलग प्रोसेसेस से कार्बन मिलती जा रही है और जैसे जैसे कार्बन मिलती जा रही है वैसे वैसे वो फिर से नए केमिकल कॉम्बिनेशंस के लिए, रेस्पिरेशन के लिए या फिर डेथ डिकेइंग की वजह से या कंबशन की वजह से कार्बन को जो है एटमॉस्फेयर में वापस रिलीज भी करते जा रहे हैं। तो इस तरह से सारा का सारा जो साइकिल है वो चलता है। इसके अलावा जो ओशंस भी है, ओशन जो है उनको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लोबल सिंक भी बोलते हैं। ओशंस जो है कार्बन के ग्लोबल सिंक का काम करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड कंबशन की वजह से प्रोड्यूस होती है, मोर देन 50% ऑफ दैट जो है वो ओशंस ही अब्सॉर्ब करते हैं। अब हर टाइम एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर में भी कार्बन साइकिल चलता रहता है। इसके अलावा एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर से लिथोस्फेयर में भी कार्बन का साइकिल चलता रहता है। प्रिज्म्स और एनिमल्स के स्केलेटन की वजह से या फिर सीपेज की वजह से कार्बन जो है वो रॉक्स की फॉर्म में इकट्ठी होती रहती है लिथोस्फेयर में। लेकिन जो साइकिल है बिटवीन लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर वो एज कम्पेयर टू हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर बहुत ही स्लो है।
लेकिन ये जो सारा का सारा साइक्लिंग सिस्टम है, ये एक सेल्फ रेगुलेटेड फीडबैक सिस्टम की तरह काम करता है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि फीडबैक सिस्टम क्या होता है, तो इसी सीरीज से जुड़ी हमारी पिछली वीडियो व्हाट इज इकोसिस्टम एंड इकोलॉजिकल बैलेंसिंग जरूर देखें, उसका लिंक हम लोगों ने इस वीडियो में दिया हुआ है। लेकिन अब ये जो फीडबैक सिस्टम था, लगातार हो रही डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से डिस्टर्ब हो गया है। इसलिए जरूरी है कि अर्थ के सारे साइकिल्स को, न्यूट्रल साइकिल्स को अगर हम लोग मेंटेन करना चाहते हैं, अपने इकोसिस्टम को मेंटेन करना चाहते हैं, तो हम लोग जो है डिफॉरेस्टेशन को कम कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से जुड़ा हुआ या फिर किसी और टॉपिक से जुड़ा हुआ, तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग कोई नई वीडियो बनाएं, कोई नई सीरीज लेके आएं, तो उसके बारे में भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।